नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोरस्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि पंजाब में जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट जो निकली है 2021 में, उसमें आपको टोटल कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जब आप लेक्चरार बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, PhD कंपलसरी है या नहीं है, आपको UGC नेट क्वालिफाइड चाहिए या नहीं चाहिए, और इसमें एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, इन सभी की जो चर्चा है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों, आपका बहुत समय जो है वो खराब ना करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर से करें, और आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करें। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, तो लगभग आपको 1,158 जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें भी इसकी सब डिवीज़न की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1,091 जो वैकेंसीज हैं वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के देखने को मिलेंगी, और बाकी जो रह गई 67 वैकेंसीज वो हैं लाइब्रेरियन पोस्ट। अगर हम इसमें बात करें कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में असिस्टेंट जो प्रोफेसर है, इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए। आप मान लीजिए कि बहुत सारी वहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं, इकोनॉमिक्स की है, इसी तरह आपको ज्योग्राफी की है, इंग्लिश की है, इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट की जो भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, तो आपने जिसकी भी MA की होगी उसमें आपको लगभग 55% जो नंबर हैं वो आपके चाहिए मास्टर्स में। और इसके साथ ही जो आपको सभी को पता ही होगा, कैटेगरीज वाइज थोड़ी बहुत जो एग्जेम्पशन मिलती है वो तो मिलेगी ही, और इसमें आपको ये भी बात कही गई है कि जो आपकी उम्र है वो कम से कम 18 से लेकर 37 साल होनी चाहिए। मतलब ये कि कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो होनी चाहिए 37 साल। बाकी रिलैक्सेशन आप सभी को पता होगा, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दी जाती है, तो इन सभी बातों को आप जानते ही हैं। और यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि लगभग आपका जो 10वीं में है, आपने पंजाबी का जो विषय है वो जरूर पढ़ा हो, क्योंकि आप जब लेक्चरार बन जाएंगे तो आप सर्व कहाँ करने वाले हैं, आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में या फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही तो सर्व करने वाले हैं ना। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने कहा है कि 10वीं में आपने कम से कम जो पंजाबी का जो विषय है वो आपने जरूर पास किया हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो मान लीजिए कि जब भी आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो हो जाती है, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, तो आपका जो स्टार्टिंग में जो सैलरी होने वाली है फर्स्ट 3 ईयर, मतलब कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है 56,100, ठीक है ना, 56,100 जो आपकी सैलरी है वो होने वाली है पर मंथ, 3 सालों तक होगी जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, तो इसमें आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टेस्ट है वो MCQ फॉर्मेट में ही लिया जाएगा, और उसको अगर आप क्लियर करते हैं तब आपका कह लो कि शॉर्टलिस्ट आपका नाम होगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, PhD चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमने दो बातें कही हैं कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया है, उसने 2009 से पहले PhD की हुई है, तो उसको जो नेट है वो क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। उसके बाद वाले जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, मतलब ये कि 2009 के बाद जिन्होंने भी मास्टर्स की होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पर, या फिर उन्होंने PhD भी की होगी फिर भी वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनका नेट क्वालिफाइड नहीं है। तो ये इतनी सी बात थी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको पता लग गया, सैलरी के बारे में पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड वाली वेबसाइट पर, वहां पर आपको सारी ही जानकारी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तो पोर्टल उन्होंने ओपन नहीं किया है, बट वो जल्दी ही उस पोर्टल को भी ओपन कर देंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसको मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बाद हम एग्जाम फीस की बात करें, तो यहाँ पर जो SC ST और BC के जो कैंडिडेट होंगे, जो पंजाब के होंगे, आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि मेनली जो वैकेंसीज निकाली जा रही हैं ये तो पंजाब में निकाली जा रही है ना, तो यहाँ पर आपको कह लीजिए कि SC ST जो पंजाब के होंगे या BC होंगे, इनकी यहाँ पर जो फीस होने वाली है ये होगी 750 रुपये। अगर हम यहाँ पर बात करें जो एक्स सर्विस मैन है, उनकी यहाँ पर फीस होने वाली है 500 रुपये। EWS और PWD जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी फीस यहाँ पर होने वाली है 500, और यहाँ पर जो और बाकी जो कैटेगरीज होंगी इनकी यहाँ पर टोटल फीस होने वाली है 1,500 रुपये। तो ये इतनी सी वीडियो थी, आपको मैं एक बार जो वहां पर आपको जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर मैं विजिट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रोम पे जाना है, क्रोम पर जाने के बाद आपने यहाँ पर एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड .com वाली वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ना ऑप्शन दिखाई देगा, आप चाहे फोन से भी ओपन करेंगे तो यही सेम इंटरफेस ही देखने को मिलेगा, तो आपने हायर एजुकेशन वाली ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाते ही आपको यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है ना, 1 से लेकर 33 तक जो आपको एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक बार ये भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी अलग अलग सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 33 तक जो वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ी सी जो जानकारी है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, ये भी यहाँ पर बातें जो बताई गई हैं। तो आप यहाँ पर जाकर जिसमें भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका कोई और भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। फीडबैक देने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। सो आज के लिए इतना ही, कल को फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।